ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला हुआ। बंसल न्यूज पर हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो है। मदरसा चौक पर ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला हुआ था। हमले का वीडियो आप बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी तक आपको बता दें कि धरने पर बैठे हुए ब्रजमोहन अग्रवाल, लेकिन जब उन पर हमला हुआ, जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसका वीडियो बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल आप देखिए, जनसंपर्क के लिए निकले थे ब्रजमोहन अग्रवाल, उसी दौरान कुछ लोग आते हैं, उन पर हमला किया जाता है, उनकी कॉलर खींची जाती है और उनको मारने की भी कोशिश की जाती है। अब इसका वीडियो जो है सामने आ गया है। बंसल न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हमले के बाद आप देखिए, हालांकि धरने पर बैठ गया है ब्रजमोहन अग्रवाल, कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, लेकिन कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसका वीडियो अब सामने आ गया है। टीवी स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो युवक है ब्रजमोहन अग्रवाल की कॉलर पकड़ते हैं और उसके बाद गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर होता है। जो कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं बीजेपी के, वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं और झड़प भी इस दौरान होती है। एक्सक्लूसिव वीडियो बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ब्रजमोहन अग्रवाल जिनके ऊपर हमला हुआ, कैसे ये पूरा घटनाक्रम होता है वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, हालांकि पहले भी हमने कहा कि सुरक्षा में चूक तो जरूर हुई है, तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये वीडियो हम देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। चलिए आदित्य जी, आपको रुकना चाहूंगी, लौटूंगी मैं आपके पास। ब्रजमोहन अग्रवाल का क्या कुछ बयान सामने आया है वो पहले आप सुन लीजिए जरा। 20-25 लड़के सफेद ड्रेस में खड़े हुए थे, उनको मैंने हाथ जोड़ा कि कमल फूल में वोट देना है, तो एक लड़के ने मेरी कॉलर पकड़ी, एक ने मेरे को मारने की कोशिश की। इतने में हमारे कार्यकर्ता सामने आ गए और मेरे PSO मुझे घसीट कर पीछे ले गए और बचाकर मदरसे में जाकर मैं बैठ गया, तो मैं बच गया। मुझे लगता है कि उनकी कोशिश थी मेरी हत्या करने की। और ये कांग्रेस के लोग पूरे शासन प्रशासन के संरक्षण में हमारे चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने हमारे दौरे का इन्फॉर्मेशन पूरा एडिशनल SP से लेकर TI से लेकर सबको दे दिया था कि हमारा वहां पर दौरा है और उस दौरे में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आप रखें। मुझे लगता है ये सब अनवर ढेबर और एजाज ढेबर के लोग थे जो महंत जी के पीछे रहकर पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं और वो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होने देना चाहते। हमने पहले भी शिकायत की है, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को फोन कर धमकियां दी जा रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि कांग्रेस का काम करो, नहीं तो हम तुम्हारे घर तोड़वा देंगे, हम तुम्हारा धंधा बंद कर देंगे, हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। आदित्य जी, जिस तरीके से ब्रजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि हत्या की कोशिश की गई, उन पर हमला हुआ, और अब देखिए वीडियो भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जिस तरीके से ब्रजमोहन अग्रवाल बता रहे हैं कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ साफ तौर पर तस्वीरों में भी वही देख पा रहे हैं। प्रशंसा, देखिए ब्रजमोहन अग्रवाल को जितने लोग जानते हैं वो ब्रजमोहन अग्रवाल के बारे में इतना जानते जरूर हैं कि ब्रजमोहन अग्रवाल के विधानसभा चुनाव का काम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बड़े बड़े कांग्रेस नेता केवल ब्रजमोहन अग्रवाल के चलते कांग्रेस का काम छोड़ भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। ये चुनाव अलग है, इस चुनाव में बहुत अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण विधानसभा आता है जहां पर ये मौके पर वीडियो आया, बैजनाथ पारा से आर्य समाज मंदिर वाली गली में जाते हैं उस तरफ का ये वीडियो है, और इसमें कोई शक नहीं। देखिए धक्का मुक्की वहां पर हुई है, सुरक्षा में निश्चित तौर पर सेंध है। 7 बार के विधायक हैं, छत्तीसगढ़ में मंत्री रह चुके हैं लगातार, 15 साल मंत्री रहे, उसके पहले भी मध्य प्रदेश शासन काल से विधायक रहे हैं, काफी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए उनके साथ अगर ये हुई है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सुरक्षा और मुहैया करानी चाहिए कांग्रेस सरकार को, क्योंकि ऐसे में देखिए ये दूसरी तरह का चुनाव जा रहा है। उन्होंने बड़ा आरोप सीधे तौर पर ढेबर परिवार पे लगाया। ढेबर परिवार कौन, जो इस बार महंत राम सुंदर दास का जो विधायक यहाँ प्रत्याशी है, उनके पीछे का मैनेजमेंट पूरा संभाल रहे हैं ढेबर परिवार, उनके ऊपर बड़ा यहाँ पर लगा दिए हैं आरोप। तो निश्चित तौर पर सरकार को और चुनाव आयोग को संज्ञान इस पे लेना चाहिए, सुरक्षा प्रत्याशियों की बढ़ाई जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव है इसमें तो, और अभी 4 से 5 दिन है और क्रूशियल होता जाएगा चुनाव, नुकसान हो सकता है दोनों ही पार्टियों को। फिलहाल सुरक्षा और बढ़ाए जाने की यहाँ पर उम्मीद करनी चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
जिस तरीके से आप कह रहे हैं सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है, जांच का भी विषय है, फिलहाल इस पर सियासत भी खूब हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर और कांग्रेस ये कह रही है कि प्रायोजित घटना है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं छोटे से।